फाइनली फाइनली दोस्तों आज के व्लॉग को कर दिया हम लोगों ने स्टार्ट। अपनी सारी टेंशन परेशानी को पीछे छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ने का सोच लिया है। तो आज जो है मैं आप लोग को एक नई चीज़ का रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो हमारे एरिया के अंदर अभी नया नया एक पिज़्ज़ा मंच खुला है, पिज़्ज़ा मंच नहीं, मामास पिज़्ज़ा। ये नया नाम पहली दफ़ा आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह चल रहा है वो। बाहर जब भी मैं जा रहा हूँ तो उधर रश ही लगा हुआ होता है। ये मैडम भी डेली मंगा मंगा के खा रही है। मैंने टेस्ट नहीं किया तो मैंने आज सोचा है कि मैं ट्राई करूँ कि क्या ऐसा उन लोगों ने बनाया है। बच्चों के लिए उन लोगों ने बहुत बेहतरीन डील निकाली हुई है, 130 रुपए के अंदर स्मॉल पिज़्ज़ा। ये सिर्फ इन लोगों ने बच्चों के लिए निकाला है, जो मतलब ऐसा है कि बताया है कि बाहर कोई बता रहा था मुझे कि जो गरीब बच्चे जो नहीं खा सकते उन सब के लिए इन लोगों ने निकाला है। और लोग इस तरीके से इनसे ये सारी चीज़ें परचेज कर रहे हैं। मेरे को जो है टेस्ट और उसमें चीज़ की क्वांटिटी तो चले आज ट्राई करते हैं और आप लोग को इसका रिव्यू देते हैं कैसा इन लोगों ने ये बनाया है। और चलते हैं भी लेके आते हैं उनसे पिज्जा और उनकी सारी उनसे डिटेल्स पूछ के आते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है और क्या क्या चीजें हैं उनके पास। तो हम आपको करवाएंगे किचन का विजिट भी, वो मैं पूछ लूंगा। अगर उन लोगों ने इजाजत दे दी तो वहाँ का विजिट भी करा देंगे आप लोग को। सारी चीजें और क्या क्या चीजें इनके पास अवेलेबल है और कौन कौन सी बेस्ट डील है उन सब चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। आए मेरे साथ, पहले जाते पिज्जा की शॉप के ऊपर, फिर वहाँ से सारी चीजें आपको मैं बताऊँ। क्या बताएं, ऐसे तैयार होकर निकलना पड़ता है डेली का, मंगी वाली हालत में मिल जाओ, कभी कोई मिल जाता है पहचान लेता है, बोलता है चप्पलों में घूम रहे हो, क्या पता यार गरीब लोग हैं क्यों चप्पलें नहीं पहनते इंसान। यार मेरा पैर मोटा हो गया है। आप मोटे हो गए पैर दिखा दिया। शूज के साथ जंग चल रही है ना। फाइनली दोस्तों ये पिज्ज़ा खुला है इधर, बैग देख ली। अब जा रहे हैं हम यहाँ से ऑर्डर देने के लिए सामने और देखते हैं क्या इनके वो है। फाइनली मैं और वली जो है यहाँ पे आ चुके हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए। आप भाई के पास जा रहे हैं पूछने के लिए। सर मेन्यू दिखा देंगे आप? मेन्यू में ज़रा चेक करें क्या क्या इनके पास बेहतरीन चीज़ जी बताइए। बैक साइड पे आप ये देखेंगे ये हमारे जो है डिस्काउंटेड प्राइस है जिस वक्त चल रहे हैं। स्मॉल पिज़्ज़ा 250 से 130 जी, कैलज़ोन 300, इतना डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट स्मॉल पिज़्ज़ा के अंदर है। तो इसका आप मुझे ज़रा बताएंगे कि ये इतना डिस्काउंट क्यों है? स्मॉल असल में देखें डिस्काउंट रखने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आजकल जिस हिसाब से महंगाई है उन सारी चीज़ों को हमने सामने रखते हुए एक डिसीजन लिया सारी चीज़ें देखने के बाद। और ये देखें इसका बेसिकली देखें ये 130 रुपये का जो पिज़्ज़ा हमने लॉन्च किया ये स्पेशली हमने बच्चों के लिए किया। आप यकीन करें ये आजकल जो हालात हैं जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। और मोस्टली जितने भी पेरेंट्स आ रहे होते हैं यहाँ पे वो फीडबैक भी दे रहे होते हैं कि एक बच्चा है उसके लिए तो वो ईजली बहुत ज़्यादा उनके लिए अप्रोचेबल है, वो आराम से बाय कर लेते हैं। और एक ही बच्चा जो है दिन में माशाल्लाह दो बार आ रहा है, तीन बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये 130 रुपए का है, इसलिए भी कि जायका बहुत अच्छा है, क्वान्टिटी हम थोड़ी सी अच्छी डाल रहे हैं और साथ साथ में हम क्वालिटी भी दे रहे हैं। और इसमें ये सारी आपने डील्स रखी हुई है जी सारी है इसमें से, ये देखें स्मॉल पिज़्ज़ा के बाद जो कैलज़ोन है ये पिज़्ज़ा तो नहीं है? नहीं ये कैलज़ोन है, ये असल में थोड़ा सा इशू हो गया प्रिंटिंग में, ये कैलज़ोन है, ये सैंडविच होता है हमारे। मैंने सबसे ज़्यादा जो सुना है कैलज़ोन का क्योंकि टेस्ट बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह हमारे अच्छे रिस्पॉन्स है कैलज़ोन के ऊपर। नहीं नहीं ऑर्डर ले लें आप फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये ज़रा पूछने के लिए आए थे मैं जो है, अब आप मुझे ये एक ऑर्डर ये कर दें कि पहले ट्राई के लिए एक स्मॉल पिज़्ज़ा और एक कैलज़ोन, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी इसका ट्राई करूं और फीडबैक मैं भी आपको दूं ज़रा, कि मेरा तो काम ही व्लॉगिंग है तो मैंने सोचा आज पिज़्ज़ा पे व्लॉग कर लें। और ये जो है डील से सारी इससे मैं आपको वो करवा दूं। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे ऐसी इजाज़त लेना चाह रहा हूं कि अगर मुझे किचन का अगर मुझे विज़िट करना हो तो आप करा सकते हैं? बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप देखें किस तरह से हम जो हमारा नीट और क्लीन किचन है मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको भी एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि क्वालिटी के साथ जो हम सफाई और दूसरी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं ऐसे किचन विजिट कराने देते हैं क्योंकि इतने कम पैसों के अंदर जो पिज़्ज़ा मिल रहा है तो मैंने सोचा कि भाई से ज़्यादा लेकिन किचन विजिट कर लें क्योंकि जाने कोई नहीं देता अपने किचन के अंदर। तो मैं ज़रा जाके चेक करूँ कितनी साफ सफाई है और किस तरीके से इनका पिज़्ज़ा बन रहा है। तो अभी बस चलते हैं अंदर आपको वो विजिट कराते हैं। ये हम जाते हुए अंदर किचन भी तो फाइनली दोस्तों इनके किचन में विजिट हो चुका है हमारा। एक ये इनके शेफ हैं और नए शेफ तैयार हो रहे हैं, ये भी डिलीवरी है वो है।
इनसे ऑर्डर करवाएंगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये जो है इसको तो जानते ही होंगे आप लोग अगर ब्लॉग देख रहे हैं ना। और यहाँ पे जो है इनका सारा सिस्टम जो है यहाँ पे बन रहा है और नीट एंड क्लीन है सारी चीज़ें, ये आप लोग को दिखा दूँ मैं। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई कि किस तरीके का आपका प्रोसेस चल रहा है सारा? बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, आप मछले से ट्राई करके देखें एक बार, आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपके पास दिन में कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं? आप मछले से बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं ये कहूँगा कि आप एक बार आके ट्राई करें। मतलब लाजमी जी, ज़रूर आएंगे। अच्छा मेरा वो लगा दिया आपने पिज्ज़ा? जी सर, ये आपका लगा रहा हूँ। और कैलज़ोन भी आप लगा रहे हैं? जी कैलज़ोन भी लगा रहा हूँ। चले बस जैसे ये बन जाएगा तो फिर इसका मैं आपको पूरा विज़िट कराऊँगा। इनके पास हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है, डब्बे ये डेली इनके ख़त्म होते हैं, फिर डेली ये नए लेकर आते हैं। तो भाई देख लिया आपने अंदर से? आप बोल रहे थे चेक बहुत प्यारा लगा भाई, ऐसा निगाम आज तक तो कोई घुसने नहीं देता अंदर किचन के अंदर अपने, इन्होंने इजाज़त दी बड़ा दिल को। क्या बोलते हैं ये फर्स्ट टाइम है कि क्या बोलते हैं किसी से इंसान इजाज़त मांगे तो वो दे दे जाने के लिए, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनसे पूछा और दे दी इजाज़त। तो इसका मतलब यही है कि ये लोग बिल्कुल साफ सुथराई के साथ बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो अभी जो है बाकी सारे तो मैंने आपको फीडबैक बता दिए, रिव्यूज़ बता दिए, खाली पिज़्ज़ा बनने का तैयारी है, जैसे वो बन जाएगा फिर उसके रिव्यूज़ देंगे मैम। हमारे शहजाद भाई बहुत अच्छे कस्टमर, रेगुलर कस्टमर, रेगुलर मतलब काफ़ी कस्टमर मैं आपकी दुकान पर देख रहा हूँ रेगुलर ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक तो प्राइस रीजनेबल है जी, और दूसरा ये कि टेस्ट बाकी हम बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। बाकी जो रिकरिंग कस्टमर है जो बार बार आ रहे हैं, सबसे बड़ी वजह ये है कि प्राइस के साथ साथ टेस्ट भी उनको मिलता है। और डिलीवरी अभी माशाल्लाह आपकी लगी हुई है जैसे, और पहले थैंक यू सो मच आपने हमारे किचन का विजिट करने दिया, बहुत कम लोग देते हैं ऐसे लेने के लिए, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे बच्चे लेने के लिए आए हुए, हेलो हेलो, ये बच्चों के लिए स्पेशली ये पिज्ज़ा चल रहा है। बच्चे कैसे देख रहे हैं पिज्ज़ा के लिए, बाबा को पकड़ के लेके आई तो बाबा मुझे पिज्ज़ा दिलाओ। माशाल्लाह कल लिया था पहली मरतबा, कुछ बेहतर मालूम हो दोबारा आए हैं, अगर ना होता तो अगर फैमिली मेम्बर हो जाए तो और ऑर्डर दे देंगे। अगर इसी तरह इनका काम अच्छा होता रहा, मजीद लोग आएंगे और भी किसी को भी बोलेंगे हम दोस्तों यार। अंकल का तो पिज़्ज़ा आ गया है, अब मेरा ऑर्डर लगा हुआ है, दे दें फाइनली। मुझे लगता है पिज़्ज़ा कंप्लीट हो चुका है मेरा, अब इसका रिव्यू हम लोग, दोनों चीज़ें हो गई। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभी हमें इसके रिव्यू जो हैं वो तो मैं लाजमी इसके अंदर वीडियो आप देख लेंगे मेरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी जी लाजमी, ये मैं आपको घर पर जाके अभी इसका फीडबैक दे दूँगा। चलें बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेहनत करिए उसका। अच्छा ये बताओ सुबह 4 बजे हाँ, तो आपको अगर रात को 3 बजे भी कहीं पे भी डिलीवरी वगैरह करवानी हो तो होगी, ऐसा नहीं है भी डिलीवरी के लिए चले जाएं। तो चले अब हम ये पिज्ज़ा खा लें सुकून से और जाके इसका टेस्ट आपको घर पे बता दें। चले छोड़ दे यार, तला जा रहा है डिलीवरी पे, तला इधर आइएगा जरा एक मिनट के लिए। आप ये बताएं कि ये 130 रुपए वाला पिज्ज़ा आप डिलीवर करने कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई? 130 वाले का जो है ना हिसाब, 130 वाला पिज़्ज़ा खाली यहाँ के लिए, वो डिलीवरी नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो सूरत में होगा जैसे कि आप हमसे 5 ऑर्डर करवा रहे हो, फिर कराची के किसी भी कोनों पे वो हम पहुँचाएंगे। पूरे कराची में डिलीवरी अवेलेबल है? पूरे कराची में, ठीक है। मतलब ये सोल्जर बाजार में से 1 किलोमीटर की हदूद से, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जो भी ऑर्डर होगा वो फ्री है, उसके बाहर जो भी होगा उसके चार्जेस हैं, ठीक है। और जैसे अगर अभी मैं जा रहा हूँ कुरंगी फिलालिए देने, इसके अंदर अभी हमने कुरंगी की जो डिलीवरी है ना वो 350 रुपये, ठीक है, मैं देने जा रहा हूँ और वहाँ से जब आऊँगा तो फिर। तो फाइनली दोस्तों ये घर लेके आ चुका हूँ और मैंने अपनी चिल्लर पार्टी जो है बुलवा ली है, तो देखते हैं अभी क्या रिव्यूज़ हैं इसके, खाने के बाद इनको पता चलेगा, क्योंकि मैं अभी इसको खोलने लगा हूँ। ये है इनका स्मॉल पिज़्ज़ा जो 130 रुपये में ये दे रहे हैं। चलो भाई ट्राई करो और बताओ। और ये है इनका कैलज़ोन जो आप लोग सारे पिज़्ज़ा समझ रहे हैं, ये पिज़्ज़ा नहीं है ये कैलज़ोन है, जो एक अलग ही चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये लोग रिव्यूज़ देंगे कि कैसा है ये। तो फाइनली दोस्तों खा लिया पिज़्ज़ा और क्या मज़ा आया कसम खुदा की। पहले मैं जाता था एक पिज़्ज़ा लेने के लिए अलीना के लिए तो कम से कम एक लार्ज पिज़्ज़ा ही कम से कम 800-900 रुपये का आता था, और अभी जो है मैं एक कैलज़ोन एक स्मॉल पिज़्ज़ा टोटली मुझे पड़ा 430 रुपये में, और ऐसे ही घर से बाहर निकला तो आ गया।
और आप लोग अगर एक किलोमीटर के दरमियान में क्या बोलते हैं मेरे मियां का काम आसान हो गया, सीधी बात बोली मतलब ये है कि बहुत सस्ता पड़ रहा है 130 रुपए में, तो यार आजकल रोल भी नहीं आता, लेकिन इतना जबरदस्त पिज्जा दिया। पिज्जा कैसा था? फुल चीज़ी और स्पाइसी। जिसने मतलब उनको जिसको पता चला ना पिज्जा आया है ममास वालों का, वो सारे आ गए खाने के लिए। तो अभी ऐसा है कि आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है ये पिज्जा मेरे कहने पे एक दफा, क्योंकि 130 रुपए तो यार हर कोई इस्तेमाल कर ही लेता है एक बच्चे के लिए अपने, लाजमी आप लोगों ने ट्राई करना है टेस्ट इनका। और नीचे मैं जो है क्या बोलते हैं नंबर इनका डाल दूंगा, और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम लिंक भी इनका डाल दूंगा, इस पे जाके आप लोगों ने इनको मैसेज करना है और ऑर्डर करना है लाजमी। तो क्या बोलते हैं 5 किलोमीटर के अंदर कराची में कहीं भी हो ये आपको डिलीवरी पहुंचाएंगे, तो एक बार लाजमी ट्राई करना है हमारे कहने पे। तो अभी जो है क्या रहेगी अपना और खाना है, तो चले और के लिए अभी बाद में करेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं हम लोग एंड, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो अल्लाह हाफिज़।